Okay, but in the year 1869, the scientist Frederick Meister was a person who discovered, who identified DNA, and what he said that DNA was a acidic substance. He analyzed the properties of DNA, and on the basis of that, he found that this DNA, which is a long polymer, have its dimensions. Okay, but dimensions jo thi DNA ki, that is a little bit more than the dimensions of the nucleus. So scientist was very much surprised. He how this long polymer, which has huge dimensions, get fitted itself inside the nucleus. Okay. तो उन्होंने ये कहा कि डीएनए जो है वो एक बहुत ही लॉन्ग पॉलीमर है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एंड बिकॉज इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड दिस मींस सो मेनी न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स दे आर जॉइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ओके बेटे, यू ऑल्सो नो द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स. द थ्री कंपोनेंट्स आर देयर, फॉस्फेट ग्रुप इज देयर, देन अ पेंटोज शुगर इज देयर, एंड पेंटोज शुगर के अलावा उसमें जो है नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट होते हैं. सो दीज नाइट्रोजीनियस बेसिस दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे मे बी पुरीन्स और दे मे बी पिरिमिडिन्स. तो आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट अमंग पुरीन्स वी हैव एडेनिन एंड ग्वानिन एंड अमंग पिरिमिडिन्स वी हैव साइटोसिन एंड थायमिन. ओके बेटे, नाउ व्हाट इज द वेरी स्पेशल थिंग दैट इज रिलेटेड विद दिस डीएनए. So another very important thing is this DNA. This DNA is actually have a special property. When the scientist Watson and Crick, with the help of two other scientists, Rosalind Franklin and Maurice Wilson, by X-ray diffraction method, when they gave the double helical model of DNA, on the basis of that, what the scientists they found that when the opening of the DNA helix takes place. ठीक है बेटे, जब डीएनए हेलिक्स जो है उसकी ओपनिंग होती है, व्हेन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, देन व्हाट इज सी दैट द बेसेस, द नाइट्रोजीनियस बेसेस दैट आर प्रेजेंट ऑन वन स्ट्रैंड, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट स्ट्रैंड और द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. तो अगर एक स्ट्रैंड के ऊपर जो है नाइट्रोजीनियस बेसेस जो भी प्रेजेंट है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस जो है वो उसके एडजेसेंट स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है. So on the basis of this, the scientists they concluded that how the synthesis of the dotted DNA actually happens. So what the scientists said, what Watson and Crick told us at that time, when the opening of the DNA helix takes place, then at that time both the parental strands of the DNA they actually act as the guiding strands or the template strands for the synthesis of the daughter strands, because the bases, the nitrogenous bases that are present on one strand, their complementary bases are present on the other strand. So if first strand whose polarity is in the direction e dash to 5 dash, it has certain nitrogenous bases over it. Okay, but then I have also discussed with you that there is one enzyme and the name of the enzyme is DNA polymerase. देखो नेम से पता लग रहा है, इसका नेम ऑफ द एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज, देन दिस मींस दिस एंजाइम इज एक्चुअली डूइंग द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. ओके, सो व्हाट दिस एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअली डू, दिस एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इट पिक द नाइट्रोजेनियस बेसिस फ्रॉम द सेल कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे रीड द बेसिस, नाइट्रोजेनियस बेसिस दैट आर प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए. ठीक है, जिसकी पोलैरिटी कौन सी डायरेक्शन में है, 3-5- डायरेक्शन में है, तो उसमें से वो बेसिस को रीड करता है. सपोज करिए इफ द फर्स्ट बेस इज एडेनिन, देन दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैज टू पिक व्हिच नाइट्रोजीनियस बेस फ्रॉम द सेलुलर कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू नो दैट दैट एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन. तो सेल में कौन सा बेस पड़ा हुआ है, थायमिन पड़ा है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसने थायमिन को पिक करना है और डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर बाइंड कर देना है. ओके बेटे, इफ द अनदर बेस आफ्टर एडेनिन इज ग्वानिन, देन यू नो दैट ग्वानिन इज गोइंग टू बी बाइंड विद साइटोसिन. तो फिर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो साइटोसिन बेस को पिक करेगा एंड इट बाइंड्स द साइटोसिन बेस नेक्स्ट टू द प्रीवियस वन.
So in this way, the polymerization takes place and all the bases, they get binded on the daughter strand, and as a result, the new daughter strand, the new daughter DNA, it gets synthesized. Okay, but one thing, जो अभी अभी मैंने आपको बोला है कि both the strands of the DNA, they act as the template strand or the parental strand. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है polynucleotide chain का structure. तो one chain, it runs in 3-5' direction. Other chain, it runs in 5-3' direction. Okay, बेटे मैंने आपको ये भी बताया था कि why these ends are known as 3' end or 5' end. So you must remember that 3' end is actually that end where in ribose, deoxyribose sugar on carbon number 3, what is actually present? Free hydroxyl group is present. And 5' end जो है उसे न्यूक्लियोटाइड चेन के उस एंड के रूप में कंसीडर किया गया है जिसमें कार्बन नंबर 5 के ऊपर फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि दोनों ही स्टैंड जो हैं डीएनए के, दे एक्ट एज गाइडिंग स्टैंड और पेरेंटल स्टैंड्स एंड दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द डॉटर डीएनए. तो देखो बेटे, एक स्टैंड जो है इट हैज इट्स पोलैरिटी इन 3-5' डायरेक्शन and other strand has its polarity in 5-3' direction. So one very important thing that you take it in your mind is that DNA polymerase enzyme, which is actually the chief enzyme of DNA replication, it works efficiently in 3-5' direction. ठीक है? पर वो कहते हैं कि जब उसको जो है रिवर्स में चलना पड़ता है, अगर 3-5' direction में DNA strand की polarity है, तो फिर डॉटर स्टैंड जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो है वो उसकी अपोजिट पोलैरिटी रखेगा ना, 5-3' डायरेक्शन में रखेगा, तब तो वो कहते हैं कि एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज एफिशिएंटली वर्क करता है. पर जब उसे जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम करना पड़ता है तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है. तो इसीलिए द फर्स्ट डॉटर स्टैंड व्हिच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फर्स्ट पेरेंटल स्टैंड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पेरेंटल स्टैंड, it is a continuous type of strand because here the DNA polymerase bind the bases very efficient manner. But in the second strand, the second parental strand whose polarity is in 5-3' direction, here the new daughter strand is supposed to have the polarity 3-5'. So yahan pe DNA polymerase enzyme efficiently work nahi kar pata. To dusre strand se banne wala jo daughter strand hai, वो डॉटर स्टैंड जो है वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में फॉर्म होता है. तो इट इज अ काइंड ऑफ ए डिसकंटीन्यूअस स्टैंड. ठीक है, तो सो मेनी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म एंड दीस फ्रेगमेंट्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड, फर्स्ट यू कैन से इट वाज फर्स्ट सॉ बाय द साइंटिस्ट एंड हिज नेम वाज ओकाजाकी. सो इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट दीस फ्रेगमेंट्स दे आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. Okay, but before this, I explained you this mechanism in detail. I want to repeat the salient features of the double helix that you have also studied in class 11 in chapter biomolecules. So see on the page number 97, the postulates are given. I'm going to read it for you. So first, उसमें देखिए आपको उसमें बताया हुआ है कि James Watson and Francis Crick, they give the three-dimensional model of the DNA. And what this model said that DNA consists of two strands which are bounded around each other in a twisted ladder like arrangement. So kehte hain ki DNA jo hai uske jo do strands hain wo uske backbone jo usko form karti hai, and center mein usme nitrogenous bases arrange hai, and these nitrogenous bases they arrange themselves in a ladder like manner. And both the strands of the DNA, they are arranged themselves in a twisted way. So you must remember the backbone of the DNA, it is actually made up of sugar and phosphate group. And what is present inside? So from this sugar and phosphate skeleton, okay, the nitrogenous bases, they are projected inside. So suppose if so many nitrogenous bases are present on the first end, adenine, guanine, then thymine, then cytosine, then the corresponding complementary bases are present on the other strand. And another very important thing is, see, I'm going to read the postulate. So here, what he said, that DNA is made up of two polynucleotide chains
And here the backbone is actually made up of sugar and phosphate. And where the nitrogenous bases are present, the nitrogenous bases are present in the center. They arrange themselves in a ladder like way. ठीक है, सेंटर में जो लेडर्स आपको नजर आ रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नाइट्रोजीनियस बेसिस। देखिए सेकंड में उसने आपको बताया कि बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए दे हैव डिफरेंट पोलैरिटी। ओके बेटे, तो अगर वो कहता है कि वन स्ट्रैंड हैज द पोलैरिटी 5-3- डायरेक्शन, अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5-3- डायरेक्शन में है तो दूसरे स्ट्रैंड जो है वो उसकी एंटी पोलैरिटी रखता है, यानी उसकी जो है 3-5- डायरेक्शन में होगी। ठीक बेटे, उसके बाद कहते हैं कि व्हाट अबाउट द बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट बिटवीन दीज नाइट्रोजीनियस बेसिस। फॉर दीज बेसिस, नाइट्रोजीनियस बेसिस व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, दे आर एक्चुअली बाइंडेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो इफ एडेनिन इज गोइंग टू बाइंड विद थाइमिन, दिस मींस बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन अ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर। If guanine is there present on the first strand and it is going to be bind with cytosine, then you must remember that guanine and cytosine always have a triple hydrogen bond. ठीक है, दोनों के बीच में triple hydrogen bond होगा। तो adenine and thymine always have double hydrogen bond and guanine and cytosine always have a triple hydrogen bond. So in this way, all the four bases they are binded with each other. And another thing is that uniform distance is present between the two strands of the helix. ठीक है, हेलिक्स के दोनों स्टैंड्स जो हैं उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस पाया जाता है बेसिस में। एंड व्हाट अबाउट द कॉइलिंग ऑफ दिस डीएनए स्टैंड्स, तो यू नो दैट द टू स्टैंड्स ऑफ द डीएनए दे अरेंज देमसेल्व्स इन अ ट्विस्टेड वे एंड देयर कॉइलिंग एक्चुअली हैपेंस इन अ राइट हैंडेड फैशन। ठीक है, इनकी कॉइलिंग जो है वो राइट हैंडेड फैशन में हो रखी है। एंड पिच के बारे में क्या ख्याल है, तो पिच ऑफ द हेलिक्स 304 नैनोमीटर। ठीक है, 304 नैनोमीटर, तो आपको पता है कि 1 नैनोमीटर जो है वो टेट्रास्कोपार -9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है बेटे, तो व्हेन वन टर्न लेता है, जब डीएनए जो है वो अपनी एक टर्न कंप्लीट करता है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में जब इसने अपनी वन टर्न कंप्लीट की है तो उस वन टर्न के अंदर कितने बेसिस आ जाते हैं, 10 नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो आ जाते हैं। उसी तरीके से जब ये अपनी सेकेंड टर्न कंप्लीट करेगा तो उसमें भी नाइट्रोजीनियस बेसिस कितने होंगे, 10 होंगे। एंड उसके बारे में लास्ट में आपको कहा है कि ऑल द नाइट्रोजीनियस बेसिस, सपोज दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस एंड दिस इज द नेक्स्ट वन एंड दिस इज द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। सो इन दिस वे अगर पहला बेस पेयर जो है वो एडेनिन एंड किसका है, थाइमिन का है, और नेक्स्ट बेस पेयर अगर जो है ग्वानिन एंड साइटोसिन का है, तो देखिए एडेनिन और थाइमिन से जो नेक्स्ट है ग्वानिन एंड साइटोसिन वो से थोड़ा सा ऊपर होगा। उसके बाद अगर हमारे पास जो है थाइमिन आ जाता है तो आपको पता है कि थाइमिन इज गोइंग टू बी बाइंड विद एडेनिन, तो थर्ड वाला उससे थोड़ा सा ऊपर होगा। इन द सिमिलर वे व्हेन यू क्लाइंब द स्टेयर्स, तो एक स्टेयर जो है उससे दूसरे स्टेयर थोड़ी ऊपर होती है एंड तीसरी उससे थोड़ी और ऊपर होती है। इन दिस वे ऑल द बेस पेयर्स दे आर स्टैक्ड वन अबव द अनदर। ठीक है बेटे, तो इस वजह से उनमें यूनिफॉर्मिटी जो है वो बनी रहती है। तो आई एम ऑन पेज नंबर 98, तो देखिए सभी स्टूडेंट पेज नंबर 98 में देयर इज अ स्मॉल पैराग्राफ गिवन एंड दैट पैराग्राफ इज रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा। तो आफ्टर गिविंग दिस मॉडल ऑफ डबल हेलिक्स बोथ बाय साइंटिस्ट वैटसन एंड क्रिक, देयर इज वन अनदर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड द साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक हियर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टर्म एंड दैट इज सेंट्रल डॉगमा। So what the scientist meant by this term central dogma, so Francis Crick said that the flow of the genetic information, it always takes place in a unidirectional manner. ठीक है बेटे, Francis Crick जो scientist थे उन्होंने Watson के साथ मिलके जो double helical model दिया था उसके बाद उन्होंने एक new term introduce की जिसको central dogma बोला, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इट ऑलवेज फ्लो इन अ यूनिडायरेक्शनल मैनर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमेशा यूनिडायरेक्शनल मैनर में फ्लो होती है। तो यू ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम द डीएनए ऑलवेज आरएनए इज फॉर्म्ड एंड फ्रॉम द आरएनए व्हाट इज फॉर्म्ड प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। तो दिस कंसेप्ट इज पॉपुलरली नोन एज सेंट्रल डॉगमा। तो हियर आई हैव रिटन द पोस्टुलेट्स ऑफ द डबल हेलिकल मॉडल। I am going to send this presentation to you after the class. You go through these postulates. Everything is similar to what is given in the book.
Okay, but so see here how the bases they are arranged themselves in the center of the DNA helix in a ladder-like way, and what kind of bonds they are actually present between them. So see, adenine and thymine have double hydrogen bond, and guanine and cytosine have triple hydrogen bond. Okay, but so if you have to define central dogma, then you have to write that the flow of the genetic information, it always takes place in a unidirectional manner. So from the DNA, RNA is formed, and from the RNA, proteins are formed. In this way, the process, it takes place inside the body of the living organism. Okay, बेटे तो यहाँ पे देखिए आपको उसने बताया है कि first of all, what is going to be happen that the two helix of the DNA, they are supposed to open. तो सबसे पहले DNA जो है उसकी opening होती है, and this process is known as DNA replication. So you must remember DNA helix, it opens twice. I have already explained in class 11th, DNA दो बार open होता है. ठीक बेटे, एक बार DNA जो है उसकी opening इसलिए होती है कि daughter DNA has to be synthesized, and second time जो DNA है वो तब open होता है जब protein synthesis होनी है. ठीक है, तो याद रखिए कि जब DNA जो है DNA के दोनों helix open होंगे तो एक बार उससे क्या होगा, न्यू डॉटर डीएनए फॉर्म होंगे. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी कि डीएनए पॉलीमरेज इज द चीफ एंजाइम इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. इट रीड द बेसेस दैट आर प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट एंड ऑफ द डीएनए एंड पिक द कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस फ्रॉम सेल कॉन्स्टिट्यूशन एंड अटैच्ड बाय रीडिंग द बेसिस दैट आर प्रेजेंट ऑन द पेरेंटल स्टैंड. सो इन दिस वे पॉलीमराइजेशन इट टेक्स प्लेस फॉर बोथ द स्टैंड्स ऑफ द डीएनए. बट बिकॉज हियर आई एम explaining you central dogma, so here I am talking about protein synthesis. So see, the DNA helix, it opens. So what happened, from this DNA the RNA is going to be produced. ठीक है, तो DNA helix जब open होता है तो उसमें वो कहते हैं कि एक strand जो है वो अगर 5-3 में है और दूसरा 3-5 में है, तो उसमें से जो first strand है, ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, आरएनए फॉर्म होता है. तो व्हाटएवर बेसिस आर प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए उसको जो है एंजाइम रीड करता है और उसके बेसिस पे जो है आरएनए की सिंथेसिस होती है. पर एक चीज याद रखिएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन में बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए दे एक्ट एज गाइडिंग स्ट्रैंड, बट व्हेन द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए हैज टू बी हैपन देन नॉट ऑल द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए they act as guiding strand, only the first strand. ठीक है बेटे, पहला strand जो है सिर्फ वही जो है यहाँ पे guiding strand की तरह act करता है और उसी से RNA बनता है. दोनों strands जो है वो read नहीं करता enzyme. ठीक है, enzyme का name भी change हो जाता है. जब DNA replication का process है तो enzyme जो है यहाँ पर DNA polymerase है, पर जब RNA जो है produce होना है DNA से तो उस समय जो एंजाइम है उसका नेम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, अगर एप्लीकेशन हो रहा है तो एंजाइम का नेम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और अगर आरएनए बनना है डीएनए से तो एंजाइम का नेम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ओके स्टूडेंट, सो व्हेन द आरएनए गेट्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड लेटर ऑन This RNA is actually the messenger RNA. ये RNA जो बना है कौन सा RNA है? Messenger RNA है. So these messenger RNA have heterogeneous bases that are present over this RNA. And उसके बाद क्या होता है, ये messenger RNA जो है उससे proteins बनते हैं. ठीक है बेटे, कैसे होता है ये पूरा process transcription का and translation का, that we will explain you later in the chapter. So first you remember only that from DNA, RNA is produced, the process is called transcription, and from RNA, proteins are later produced, and the process is known as translation. So your central dogma means that the flow of genetic information, it takes place in a unidirectional manner from DNA to RNA, and then from RNA to proteins. But every concept has certain exceptions also. तो यहाँ पे भी सेंट्रल डॉगमा के साथ एसोसिएटेड है सर्टेन एक्सेप्शंस. ठीक बेटे, तो सेंट्रल डॉगमा जो है उसके साथ क्या एक्सेप्शन यहाँ पर अटैच्ड है, वो ये है कि देयर आर सम ऑफ द वायरसेस व्हिच आर कॉमनली नोन एज रेट्रो वायरसेस. ठीक है, कुछ खास तरह के वायरसेस होते हैं व्हिच आर नोन एज रेट्रो वायरसेस. तो हियर दिस कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा इज नॉट 100% फॉलोड.
सेंट्रल डॉगमा कहता है कि रिलेशन डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, पर जो रेट्रो वायरसेस होते हैं उसके अंदर आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक बेटे। तो वहां पे ये कहता है कि प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन का वो रिवर्स चलता है, इसीलिए हम इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आरएनए जो है वो डीएनए बनाता है और उसके बाद सारी चीजें एज इट इज चलती हैं, ठीक है। बिकॉज वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटीरियल है एंड फ्रॉम आरएनए द डेटा डीएनए इज फॉर्म एंड फ्रॉम डीएनए अगेन आरएनए इज फॉर्म एंड देन प्रोटीन्स आर फॉर्म। सो दिस प्रोसेस इन विच ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन अ रिवर्स मैनर, it is known as reverse transcription, and there is one enzyme also involved in this process, and that enzyme is known as reverse transcriptase. So I have completed this topic, salient features of the DNA helix. ye humne kar liya bete, I am on page number 99 and going to start with the next topic, packaging of the DNA helix. So whatever important points are there, I have written it in the presentation. You go through this presentation later on. So my next topic is packaging of the DNA helix. Before I proceed with this, is there any problem with it? Yes. Is there any problem? Sabhi ko structure of polynucleotide chain pata lag gaya, and sabhi ko salient features pata lag gaya. I have also explained you about the scientist Frederick Weisker, about Chargaff rule. Chargaff rule में मैंने आपको ये बताया था कि what the scientist Chargaff said that the ratio of the nitrogenous bases they are always a constant and it is equal to one. Okay, इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि Francis Crick जो है उन्होंने central dogma introduce किया था, and इसके अलावा what we get from this account that the complementary bases they are actually present on the adjacent strand of the DNA. So when the process of DNA replication it actually happens, so both the strands of the DNA they act as guiding strand, and with the help of these guiding strand the enzyme which is DNA polymerase they read the bases whatever is present on both the strands, and on the basis of that they pick the complementary base from the cell constitution and attach it on the donor. Okay, beta. Is there any question, any problem? Yes, students. Yes, beta. कोई problem किसी बच्चे को? Please speak up. Shall I continue? Yes, students. Shall I continue, beta? My voice is audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If अगर कोई भी माइंड में क्वेश्चन आता है बेटे आपने साथ में पूछना है, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम्स लेटर ऑन. ओके, आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स. सो हियर इन दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दैट हाउ अ लॉन्ग पॉलीमर व्हिच इज अ डीएनए इट गेट्स फिटेड इनसाइड द न्यूक्लियस व्हिच हैज स्मॉलर डायमेंशंस. ठीक है, साइंटिस्ट जो माइस्कर थे उन्होंने ये कहा था कि डीएनए is a long polymer, and he was very much surprised that how this DNA, which is a long polymer having huge dimensions, gets fitted inside the nucleus which has smaller dimensions. ठीक, तो उसमें उसने आपको शुरू में बताया हुआ है in the introduction कि if we have to find out the length of the DNA, if you are interested to find out the length of the DNA, then how can you find? ठीक है, तो उसके उसने आपको ये बताया है कि whenever this word comes in our mind, length of DNA, तो हमारे माइंड में हमेशा आता है कि DNA की लेंथ का मतलब है कि how many base pairs are actually present on the DNA strands. ठीक है, तो अगर हमने DNA की लेंथ फाइंड आउट कर दी है तो उसके लिए वो कहते हैं कि we must have to be find out, हमें पता होना चाहिए कि base pairs जो हैं, देखो two consecutive base pairs जो हैं उनके बीच का distance जो है वो 0.34 नैनोमीटर का होता है. ठीक है, दो बेस पेयर्स जो हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 0.34 नैनोमीटर. और अभी मैंने आपको पहले भी बताया था द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए जो है वो 3.3×10^9 बेस पेयर रखता है. तो अगर मैं डिप्लॉइड कंटेंट की बात कर रही हूँ तो हम इसको डबल कर लेंगे. इफ द हैप्लॉइड कंटेंट हैज 3.3×10^9 बेस पेयर, this means in the diploid content
the total base pairs are 6.6 into 10 raise to power 9. तो अगर आप टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देती हैं किसके साथ, टोटल बेस पेयर्स, ठीक है बेटे, टोटल बेस पेयर्स जो डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ डीएनए में प्रेजेंट है, तो आपको पता लग जाती है लेंथ ऑफ द डीएनए। तो देखिए अगर आप 0.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर के साथ, तो यू विल गेट 2.2 मीटर्स, दैट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द ममेलियन डीएनए। ओके, तो इसमें से अगर कोई भी एक चीज आपको पता है, दो चीजें आपको नोन है, तो यू आर एबल टू फाइंड आउट। तो उसके बाद देखिए व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंस दैट इज फाउंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यू हैव लर्नड इन योर लोअर क्लासेस दैट इन प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स और इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, हमेशा हम आपको बताते हैं कि अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट देयर। अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, दिस मींस ऑल द जेनेटिक मटेरियल दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी ऑफ द न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, ठीक, सो दे आर एक्चुअली स्कैटर्ड इन द सेल। तो ऐसा हम बोलते हैं आपको कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। दिस मींस द जेनेटिक मटेरियल इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियस। पर यहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो आपको ये बताना चाहती हैं कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इफ यू हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ ई कोलाई, सर्शिया कोलाई, या कॉमन बैक्टीरियम। अगर आप उसका सेल जो है उसको स्टडी करेंगे, व्हाट यू फाइंड दैट द जेनेटिक मटीरियल विच इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म बट इट इज नॉट स्कैटर्ड, ठीक है, डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड तो है पर स्कैटर्ड नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है, एंड वेयर दिस डीएनए इज एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड बाय द साइंटिस्ट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। द साइंटिस्ट वर वेरी मच सरप्राइज्ड दैट इफ द डीएनए इज नॉट बाउंडेड बाय एनी ऑफ द सेल ऑर्गेनेल देन व्हाई इट इज नॉट स्कैटरिंग इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है बेटे। तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि डीएनए जो है इट इज नॉट स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म बिकॉज इट इज बाइंडेड विद सम ऑफ द प्रोटीन्स व्हिच हैव डिफरेंट चार्ज एज कंपेयर टू द चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये कहा कि डीएनए जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जिन प्रोटीन्स जो है जो उसके साथ बाइंडेड है वो कौन सा चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और इसी वजह से डीएनए जो है इट लोकेट इटसेल्फ इनसाइड द साइटोप्लाज्म इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड दैट प्लेस इज नोन एज न्यूक्लियोइड, इट इज नॉट स्कैटर्ड इन द होल साइटोप्लाज्म, ठीक बेटे। एंड व्हाट इज द नेम दैट इज गिवन टू दोज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, तो दे कॉल्ड दिस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन केस ऑफ लेटर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वी आर एबल टू नेम द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज हिस्टोन्स, ठीक बेटे। तो इतना याद रखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोकेटेड होता है, इट इज नॉट स्कैटर्ड इन द होल साइटोप्लाज्म एंड दैट प्लेस इज नोन एज अ न्यूक्लियोइड। एंड व्हाई द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म बिकॉज इट इज बाइंडेड विद पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड दीज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स दे होल्ड द डीएनए in a particular place and that place is nucleoid, okay bete, so this means if the proteins they have positive charge so naturally the charge that is present on the DNA is supposed to be negative, so that's why the attraction is there between the positive and negative charges and because of this it accumulate themselves inside the nucleoid region only, okay. And when the scientists they studied the eukaryotic cell, what they find out that in case of eukaryotic cell, the condition is also very much similar. But you know that in case of eukaryotic cell, a well-defined nucleus is there and a membrane-bound organelles are also there. Okay, but so here what they found, when you see the nucleus of the cell, then inside the nucleus, what you see, you find out the thread-like structures that are embedded inside the nucleus and they are known as the chromatin fibers. You have heard this term so many times, chromatin fibers, chromonemata. So, ये किसमें present होते हैं? Nucleus में present होते हैं. और जब उन्होंने chromatin fibers को और ज़्यादा study किया,
So they find that inside the chromatin fibers, the DNA helix, they actually runs. But because this DNA has a longer dimensions, its dimension काफी ज़्यादा थी, so how this DNA helix it can enclosed inside the nucleus who has a smaller dimension. So उसके पीछे उन्होंने reason ये बताया कि here again the positively charged proteins are present and these proteins are known as histones. Okay, but not a single protein is there. So here what is said, these histone proteins, they are actually present in a group of 8. उन्होंने कहा कि histone proteins जो है वो 8-8 के group में present होती हैं और जो DNA helix है ना वो इन जो 8 histone proteins हैं उनके साथ अपने आप को bind करके रखते हैं. तो देखिए diagram number 2 के अंदर आपको नजर आ रहे हैं ball like जो आपको structures नजर आ रहे हैं वो histone proteins की हैं, which are the positively charged proteins and the rope that binds these balls, वो क्या है negatively charged DNA. ठीक है बेटे, अगर मैं कह रही हूँ कि proteins जो हैं they have positive charge, तो देखो आप कैसे पता लगाओगे why the proteins have positive charge. तो you know that proteins they are actually made up of amino acids and if you remember the structure of the amino acids, so two groups are there in the amino acids. ठीक है, one is the carboxylic group and another is the amino group. ठीक बेटे, तो कहता है कि ये proteins जो है वो basic proteins होते हैं. तो देखो कोई भी proteins को हम basic proteins कब कहेंगे, जब उसमें acidic group के comparison में basic group का number ज्यादा होगा. This means the amino groups they are more in number as compared to the carboxylic group. तो such type of proteins are basic proteins. And these proteins are the positively charged proteins and they actually appears in the group of 8. So that's why these histone proteins, they are known as the histone octamers. Okay, so then DNA helix to have a eukaryotic cell me histone octamers jo hai, jo 8 proteins ka group hai, uske saath apne aap ko bind karke rakhta hai. DNA pe negative charge hota hai, histone proteins pe positive charge hota hai because wo basic proteins hai. और उसमें अमाइनो एसिड्स का नंबर जो है वो ज्यादा है. ठीक है बेटे, तो इस तरीके से व्हेन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर्स अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब आप क्रोमेटिन फाइबर्स जो है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, व्हाट यू सी, यू सी दिस क्रोमेटिन फाइबर्स दे अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ए थ्रेड. ये आपको थ्रेड जैसे नजर आएंगे, बट व्हेन यू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन and view the chromatin fiber again, what you see on these thread like structures, some beads are present. ठीक है, जैसे कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है एक चेन है और उसमें हमने कुछ मोती पिरोए हुए हैं, ठीक है, तो उसी तरह से हमें क्रोमेटिन फाइबर्स यहाँ पे चेन जैसा नजर आता है और उसमें जो मोती है वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट करती है और एक न्यूक्लियोसोम जो है वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, हिस्टोन ऑक्टामर को रिप्रेजेंट करता है जिसके साथ डीएनए हेलिक्स ने अपने आप को बाइंड किया हुआ है. तो याद रखिए कि एक न्यूक्लियोसोम जो है उसके अंदर 200 बेस पेयर्स जो है डीएनए हेलिक्स के प्रेजेंट होते हैं. ठीक है बेटे, तो न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम्स आर द बीट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट अपीयर्स ऑन द क्रोमेटिन फाइबर्स एंड व्हेन यू study the structure of these nucleosomes in detail, you find out that histone octamers are there and on these histone octamers the DNA helix they wrap themselves and how many base pairs of DNA helix they bind themselves over this histone octamer, so 200 base pairs of the DNA helix are there. So is tarah ke kafi sare nucleosomes jo hain they are present on the न्यूक्लियोसोम. ठीक है बेटे, न्यूक्लियोसोम जो है इसके अंदर इस तरह के काफी सारे जो है आपको हिस्टोन ऑक्टामर्स नजर आएंगे, ऐसे काफी सारे न्यूक्लियोसोम्स आपको क्रोमेटिन फाइबर्स में नजर आती हैं. व्हेन द सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन क्रोमेटिन फाइबर्स दे लेटर कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स. ठीक है बेटे, तो दीस आर नोन एज न्यूक्लियोसोम्स. तो वी हैव कंप्लीटेड अप टू पेज नंबर 99. व्हाट आर दिस न्यूक्लियोसोम बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमेटिन फाइबर्स which actually contains the histone octamers wrapped within DNA helix. So here 200 base pairs of DNA helix are there. Okay, so you go through page number 99 and tomorrow I